मेरी सरकार का एक विजन स्टेटमेंट होता है मेरा मैसेज मेरे व्यक्तिगत वैल्यूज से, से जुड़ा होता है और इन तीनों विषय में मेरा एक कमिटमेंट है कि मेरे देश में ये बेईमानी का खेल बंद होना चाहिए देश को आगे बढ़ना है तो और आज आज आपको संतोषजनक जिंदगी जीने के लिए ये चोरी लूट करने की जरूरत नहीं है जी अब देखिये काला बाजारी लगभग वरना आज से 20 साल पहले 25 15 साल पहले कालाबाजारी कालाबाजारी आती थी जी, जी। अब बहुत रेयर केस में कभी कालाबाजारी के बाद आती है जैसे कालाबाजारी की दुनिया से हम मुक्त हो रहे हैं वैसा ही भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं ये मेरा विश्वास तो मैं मैं न्यायाधीश तो हूं नहीं मैं सजा नहीं दे सकता हूं नहीं मैं पुलिस वाला हूं कि मैं अरेस्ट कर सकता हूं मैं सरकार को सूचना दे सकता हूं कि मेरी सरकार है उसका करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है जीरो जीरो टॉलरेंस कॉम्प्रोमाइज का तो सवाल, सवाल उठता मेरे दरवाजे पर दस्तक नहीं दे सकता है कोई कॉम्प्रोमाइज के लिए लेकिन एक तो पहलू ये हो गया लेकिन दूसरा आपको मेहनत करके सॉल्यूशन भी देने पड़ते हैं जी 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 सिर्फ मैं उपदेश दूं और डंडा चलाते रहे लोग हमारे सरकार वाले जी. इसे नहीं चलता है जैसे हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करीब 35-40 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में गया है अभी पैंतीस लाख करोड़ रुपया अगर राजीव गांधी ने जो कहा था एक रुपया जाता है पंद्रह पैसे पहुँचता है तो 40 लाख करोड़ का क्या हुआ होता भाई शायद तीस करोड़ तो निकल नमक जितना भी नहीं पहुंचा होता आज वो पूरा का पूरा पुर। एक रुपया निकलता है सौ पैसा पहुंचता है लेकिन रातों रात नहीं हुआ जी। मुझे जनधन अकाउंट खोलने के लिए मैं हर दूसरे दिन बैंकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था मेरे अफसरों की मीटिंग करता था कि गरीब का बैंक अकाउंट खुला करे फिर आधार आधार भी देखिये इतनी पवित्र चीज और सभी सरकारों ने कैसे उसके साथ जुड़ी हुई थी लेकिन जब मेरी सरकार आगे बढ़ने लगी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अडंगे डाले ऐसे अडंगे डाले भांति भाती उन्हीं लोगों ने डाले पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने डाले फिर मोबाइल डिजिटल इंडिया मेरी मूवमेंट तो आधार मोबाइल और जनधन अकाउंट ये ऐसे ट्रेनिंग और ये मेरे मन में डिजाइन क्लियर थी वो बाद में नहीं आई उसका आज परिणाम है कि ट्रांसपेरेंसी आई उसी प्रकार आप देखिये गरीब आदमी भी आज रेडी पट्टी वाला भी क्यूआर कोड रखता है इवन मंदिरों में भी क्यूआर कोड मिलेगा मतलब फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है ये जब बढ़ता है तब लीकेज का करप्शन की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है इवन इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीस हजार रुपये तक आप ले सकते कैश मैंने कानून बनाकर इसको शायद ढाई हज़ार कर दिया दो हज़ार ढाई हजार कर दिया क्यों क्यों भी कैश मैंने कम किया फिर मैंने दो हजार के नोट खत्म कर दी हजार के नोट खत्म कर दी ये क्यों किया कि जो नोटों के बंडलों का खेल चल रहा है वो मुझे बंद करना है यानी एक के बाद एक मैं कदम भी ले रहा हूं पॉजिटिवली तीसरा विषय है जैम पोर्टल मेरा गवर्नमेंट का गवर्नमेंट को लाखों रुपये की चीजें खरीदनी पड़ती है लाखों करोड़ की खरीदनी पड़ती है वो अब जैम पोर्टल पे है गरीब से गरीब आदमी अपनी एक चीज सरकार को भेज सकता है जी कोई टेंडर ओपन है सब चीजें ओपन है सारे चीजें ऑनलाइन ऑक्शन होने लगी तो ट्रांसपेरेंसी इतनी आई है तो सरकार ने भी पॉजिटिव चीजों पर जितना ज्यादा बल मिले दे, दे सकते है, देना चाहिए तो हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं जी 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 प्रधानमंत्री जी राजनीतिक सवालों पर ये एक कांग्रेस पार्टी के निजी या कहे वरिष्ठ सलाहकार हैं गांधी परिवार के ये सैम पिट्रोडा जी अब बहुत कुछ कह चुके हैं और गुस्सा भी है बहुत देश में अब कल ही उन्होंने बात की लोगों के रंग को लेकर उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकन जैसे लगते हैं उत्तर और पूर्वोत्तर के लोग चाइनीज़ लगते हैं पश्चिमी भारत के लोग अरब हैं और एक तरह रेसिस्ट कमेंट है बहुत रेसिस्ट कमेंट। इसके पहले उन्होंने इनहेरिटेंस टैक्स की बात की जिस पर आपने रिस्पॉन्ड किया था स्पीच पर तो ये ये सब जो बातें हैं ये रेसिस्ट प्रोफाइलिंग अभी कांग्रेस पार्टी कहने की कोशिश कर रही है।, है कि उनकी निजी बातें हैं क्या आपको लगता है कि निजी बातें हैं कि एक तरह से उनकी जो अंदर की सोच है वो बाहर आ गई है कांग्रेस पार्टी इसको अलग अलग देखें जी आप अन्नब है जी उनके हिसाब से मैं अरब हूं <laughs> नहीं मैं तो चाइनीज हूं उनके हिसाब आप से क्या आप है और नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से आप चाइनीज चाइनीज हुँ। हुँ। अब ये मुझे मुझे याद है जी ये चीजें बहुत गहरी चोट पहुंचाती है बहुत चोट पहुंचाती और मैं उस समाज से आया हूं उस सामाजिक आर्थिक तबके से आया हूं तो मैंने ऐसे अपमान बहुत झेले हैं इन कारणों से झेले तो मुझे मालूम है ये कितना दर्द करेगा जब देश के लोग सुनेंगे तो और ये मुझे आइसोलेटेड नहीं लगता है अच्छा कल जरा तूफान ज्यादा हो गया तो उन्होंने शाम पित्रोड़ा से इस्तीफा ले लिया लेकिन उसके पांच दिन पहले उनका एक खुद का शाहजादे का एक मीटिंग का रिपोर्ट देख लीजिए उसमें वो कहते हैं यानी वर्ग विग्रह यही उनके लिए रास्ता बचा है पॉलिटिकल अचीवमेंट के लिए वर्ग विग्रह इनकी सोची समझी रणनीति है इसको लाइट न ले देश के लोग और इसको राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के उसमें में सीमा में बांध करके न रखे एक गंभीर विषय है उन्होंने कहा कि ये जो पेपर सेट करने वाले होते हैं अलग अलग एग्राम के नीट के वगैरह बेसारे अपर कास्ट के लोग होते हैं और वो बहुत ही कम है वो ऐसे पेपर सेट करते हैं इसलिए तुम दलित आदिवासी लोग नापास होते हो फिर उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अमेरिका में जब तक गोरे लोग पेपर सेटर थे तब तक तो काले लोग फेल होते थे जब से काले लोग पेपर सेटर बनने लगे तो गोरे लोग फेल होने लगे ये उदाहरण काले गोरे का और सप्ताह के बाद शाम पित्रोड़ा का बयान दो अलग नहीं है इसका मतलब उनकी जो भी कोर कमेटी की मीटिंग हुई होगी उसमें ये सारे विषयों की चर्चा हुई होगी ये ठीक है शाहजहाजे की खुद की कुछ मर्यादा है इसलिए वो जितना बोलना चाहिए वो नहीं बोल पाते होंगे तो बाल में शाम पित्रोड़ा को पूरा करना पड़ा जो वहां अधूरा रह गया उन्होंने पूरा किया लेकिन ये वेल प्लान है दूसरा इसी मिस्टर श्याम पित्रोड़ा के लिए कांग्रेस पार्टी ने भी पंद्रह बीस दिन पहले एक ऑफिशियल ट्रीटमेंट दिया कि हमारे बारे बारे बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं लेकिन ये विषय में ऐसा ऐसा है तो उन्होंने उनकी ओनरशिप ली थी कल उन्होंने वाक खड़े हुए लेकिन देश ये गलती नहीं मानता है ये सोची समझी साजिश मानता है और भारत जैसे देश में हम तो श्री कृष्ण के पुजारी रहे जो खुद काले थे हमारे देश में काले गोरे का मतलब शंकर भगवान रंग रूप क्या था और पार्वती जी का रंग रूप क्या था हम ये क्या कर रहे हैं जी हमारे देश में हर चीज को जोड़ने का भारत विविधताओं से भरा देश है जी हम सबका प्रयास होना चाहिए कि हम देश में एकता के तत्व को लगातार उभारते रहें